जस्ट अभी मैं उठी हूँ, रही थी अपना रेड वाला पर्स। चला मैं जितना भी किचन की सफाई कर लूँ, किचन कभी साफ नहीं। जल्दी से हम लोग किचन जो है साफ कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे खाना बनाना पड़ता है। खाना इसलिए बनाती हूँ ताकि हमें बाहर से खाना लेना। जिस चीज का मैं खाना बनाऊंगी वो है अंडा और आलू। सुबह सुबह उठते ही सफाई का काम जो है मेरा शुरू। बता रही हूँ मैं, दिन में 10 बार तब अभी सफाई करूँ ना, घर ऐसा कैसा रहे। इंसान तो इंसान कर रहे, जिन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा तंग किया। कभी वो दूध पी जाते हैं, कभी वो घर फैला देते हैं। और जिन और इंसानों के साथ संजोक बड़े होते हैं आपकी बहन के साथ। जैसे कि मैं खड़ी हुई, दरवाजा खोला तो मेरे सर के ऊपर प्लेट गिर गई। दरवाजा मैंने ऊपर वाले कैबिन का खोला था, ये जो बर्तन रखने वाला था। और मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत नहीं, इंसानियत कहना चाहिए कि हैवानियत नहीं। मैं 3 मरतबा बर्तन धोने के बाद, घर की सफाई करने के बाद, खाना बनाने के बाद, शेक बनाने के बाद, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बचती कि हम बर्तन रात को धो के सो जाओ। समझ नहीं आ रहा खुद को क्या कहूँ। सर मुझे लगता है मैं काम करूंगी तो मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ। वैसे भी घर में खाना बनाने से बरकत होती है, और अल्लाह ने अगर हाथ पांव दिए तो उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। टाइम जब मैं कोई अच्छी बात करती तो मुझे ये लगता है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर किसी की रूह घुस गई है। तो अंडा आलू का सालन बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैंने आलू धो के और अंडे वॉश करके जो है मैंने इनको पानी के अंदर डाल दिया है। क्या कुछ बहुत बड़ी चीज सामने आने वाली। मैंने गलत में जो है ग्रेट किया था, अब जो है इसमें कर रही हूँ मैं। पहला किसमें किया था? वो मैंने दूसरा मशीन में किया था। मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ, आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में कि मैंने क्या क्या डाला है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है मैंने टमाटर के जो है ग्राइंड करके इसको रख दिया। इसके अलावा मैंने 3 टमाटर लिए, इनको ग्राइंड किया है। 2 मैंने प्याज इनको ग्राइंड किया है। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था। दही को मैंने फेंट के रख दिया है। इसके अलावा मैंने लिया है धनिया पाउडर 1.5 टी स्पून, मतलब 1 आधा टी स्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर। उसके अलावा मैंने 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च का पाउडर। उसके अलावा मैंने 3/4 जो है इसका लिया मैंने हल्दी। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। इसके अलावा मैंने जीरा लिया है, छोटी काली मिर्च ली है। इसके अलावा मैंने लौंग लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और इसको पता नहीं सूखी लकड़ी कहते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पर जो है मेरे अंडे और जो है आलू बॉईल हो रहे हैं। अंडों को जो है हम लोग पहले ही निकाल लेंगे क्योंकि ये जल्दी बॉईल हो जाते हैं, और बाकी जो है वो आलू को हम 3 मिनट के बाद निकालेंगे। बॉईल करने के बाद मैंने इनको निकाल लिया था, और अब जो है मैं इनके अंदर इस तरीके से ये कर रही हूँ ताकि जो मैं मसाला इसके अंदर डालूँ वो अंदर इसके अंदर चला जाए, और जो है फीके फीके अक्सर लगते हैं तो ये करने से हमें जो है हमारे आलू फीके फीके नहीं लगेंगे। अब इसके ऊपर मैं हल्की हल्की जो है मिर्ची डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि जितना ही मसाला है वो सब इनके अंदर चला जाए। ठीक है, पहले जो है हम अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू जो है फुल ब्राउन हो, हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ। अभी मैंने डाले हैं इसके अंदर आलू, इसको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। देखें आलू भी ब्राउन हो चुके हैं और अंडे भी ब्राउन हो चुके हैं। ये सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट करेंगे, प्याज ब्राउन करने के बाद जो सारे मसाले ये हम डाल देंगे इसके अंदर, कर देंगे अच्छे से मिक्स। देंगे हम टमाटर का पेस्ट, इसके अंदर 1/2 कप जो है पानी का डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, फिर उसको 7 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। जो हमने पानी डालना है वो हमने वक्त से डालना है, एक साथ नहीं डालना, और इसको तकरीबन 7 मिनट तक हमने पकाते रहना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही, मैंने फेंट के रखी थी उस टाइम। डालते टाइम याद रखें कि आपने चम्मच हिलाते रहना ताकि जो है हमारे दही वो फटे ना, और अपने हमारे सालन के साथ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये घी और जो है सालन जो हमारा मसाला वो अलग नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देखें घी और मसाला जो है वो अलग हो चुका है। इसके अंदर ऐड करेंगे आलू और 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अंडे, और इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे, बस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। बिल्कुल एंड पे जो है हम मैंने तीन मिर्च ली हैं और उसको मैंने बीच में से काट दिया, और बस ये डालकर हमारा जो है सालन तैयार है। इसे मेरा फेस देखें कितना ज़्यादा रेड हो गया, तकरीबन 2.5 घंटे से मैं ये बना रही हूँ। चलते हैं कमरे की सफाई कर लेते हैं, फिर हम कुछ खाना खाएंगे। कर आज शाहरुख के अंदर की जो घर जा, जैसे ही मैंने घर की सफाई शुरू की शाहरुख ने मेरे साथ काम कराना शुरू कर। पहले भी ये ऐसा था लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो, आहिस्ता आहिस्ता लड़का जो है लाइन पर आ रहा है। होप फॉर द बेस्ट। खैर अभी रूम की जो है सफाई कर ली, अब शाहरुख के सारा जैसे शाहरुख खाना खा लेगा मैं नहा के खाऊंगी, क्योंकि मुझे इन गंदे कपड़ों में बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाएगा। करने लगी हूँ मैं बर्तन वॉश, मैं सोच रही हूँ पूरी सफाई करके तब नहा के फिर खाना खाऊं, ऐसा नहीं। इनकी हालत कुछ यूँ हो रही है, इसको सेट करके सारे काम कर।
और एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर कि ये जो मैंने रेसिपी बनाई है ये भी बहुत मजे की बनी, जो मेरी मम्मी बनाती है वो भी बहुत मजे की बनती है। मुझे वैसे पर्सनली इससे ज्यादा वो जो मम्मी बनाती है वो बहुत इजी बनती है वो अच्छी लगी। खैर अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बुरी बनती नहीं, ये भी बहुत अच्छी बनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्याज का और जो है टमाटर का पेस्ट बनाते हैं तो उसका जो अंदर का जो जिंदगी होती है वो खत्म हो जाती है और वो टेस्ट नहीं रहता जो उसका असल में आना चाहिए। खैर उसके बाद जो है मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी, रूम की मैंने सफाई कर ली, उसकी मैंने वीडियो बनाई लेकिन वो मैंने डाली, बहुत बड़ा हो जाता है फिर वीडियो। इसके अलावा आज जो है फर्श बहुत गंदा और समझ था, फर्श को भी मैं साफ कर, यहाँ पे शाहरुख मुझसे लड़ रहा था, असल में बाहर से वो रोटी लेकर आए थे, वो रोटी जो है गुम हो गई और इसको लग रहा था मैं इसके लिए मजाक कर रही हूँ इसके साथ और मैं इसको दे रही थी। दरवाजा खुल नहीं रहा था तो शाहरुख ने जोर से कहा तो टूट गया, अभी 25-26 हज़ार का था ये दरवाजा, ऐसा मुझे इतनी टेंशन हो रही है इस पर। काम खैर हो गया, लाइट्स ऑफ करके मैं अपना नहाने जाती हूँ, नहा लिया अभी मैं, कुछ फ्रेश फील कर रही हूँ, चल के पानी पीते हैं। घर में आज क्या हो रहा है तो मैं यहाँ से जैसे खोलने की सब नीचे गिरा, ये देखें ये कांच और ये मेरे पाँव के बिल्कुल साथ सारा कांच गिरा हुआ, ये प्लेट टूट के मेरे ऊपर गिरी है। स्टेप स्टेप आराम से लेके जाते सालन। हाँ अब मुझे जाके खाना नसीब होगा, मैं जाके बिस्मिल्लाह करके खाना खाते हैं फिर आप लोगों से बात करती हूँ। देखे नैना के जो टूटा है शिलास वहाँ पर इसके अंदर शीशा घुस गया, अभी इसको निकालेंगे हम लोग, मिल चुकी है अभी मैं निकालूंगा। अभी तो निकाला ही नहीं, अभी तो निकाला रुको उन भी नहीं है, निकल गया। येड़ा येड़ा शीशा लग रहा है, आप कैसा लग रहा है? आप गरीब का दिल दुखाओ की तो ऐसा ही होगा, गरीब हाँ गरीब का दिल दुखाओ की तो ऐसा ही होगा। रोटी जो तुमने लुकाई है ना, 9 बजे और सुमेरा भाभी को जो है कुछ सामान मंगवाना था, मतलब धनिया वगैरह और चाइनीज नमक, शाहरुख जा रहे हैं वो उनको लेके देंगे और थोड़ी सी देर बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे। सासू मोम भी आई थी, मोबाइल शाहरुख ने लिया, वो ब्लॉग अपलोड करते घर अभी वो जा रही है। मस्जिद का लाके कैसे बोलते हैं ओजी, जब तक हम ऐसे ओजी है हमारी घंटी है तो ये बेचारा इतना रो रहा है, अभी ये बाहर जा रहे ताकि थोड़ा गर्मी भी इतनी है, इतनी गर्मी है बेचारे ऐसे ही बैठे हुए, ऐसे भी नहीं चलाया हुआ। जाओ जाओ भी लेकर जाओ 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 वे में चढ़ के मुसल्ले सत समाना दे तल्ले जे तू आखे ता ढोला जिंदवार दीना मौका वे दई करके अतबार देंदी हां। चलो ऐसे खत्म ओजी को छोड़ने उसके पापा की दुकान। मेरा बच्चा मीर मुझे देख रहा है, मेरा शहजादा मेरा गुड्डा। अभी हम लोग आए हैं बाबर की शॉप पर और यहाँ पर जो है ओजी ओजी साहब जाए दो दो शेक लेकर आए, मैंगो शेक देखो देखो बढ़िया पागल हो गई है। अभी जो है मैं एक मैजिक करने वाली, लेकिन इस मैजिक का सबसे बड़ा ये चीज है कि हमने खामोश रहना है, किसी ने बोलना नहीं है ठीक है। अब जैसे मैं अंदर हूँ तो मैं से कोई भी नहीं बोलेगा ठीक है, अगर बोलेगा तो मैजिक नहीं होगा। इसका मतलब है मैं अपने चाचू दोनों चाचुओं के बारे में बताऊंगी। खैर सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे कल वाले टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसके मुतालिक मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उस पर जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। सबके मोस्ट जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि मेरी नानी ने अपने देवर से, वो तो उसका नाम हैरम था मेरी अम्मी का, तो उससे उसकी शादी क्यों करवाई। सबसे पहली बात तो जो मेरी नानी के देवर थे वो मेरी अम्मी के सगे चाचू नहीं थे, उसकी वजह से वो अब्बू जो है मेरे अम्मी के महरम नहीं हुए। उससे ज्यादा जो है मुझसे ये सवाल किए गए थे
कि महरम और ना महरम का मतलब क्या, मतलब जो लोग नहीं जानते चलो मैं उनको बता देती हूँ, उसकी बहुत लंबी डिटेल है लेकिन मैं आप लोग को मतलब कुछ बता देती हूँ। बाप बेटा और भाई सगे हों या सौतेले हों, बाप सौतेला है, भाई सौतेला है या फिर बेटा सौतेला है, लेकिन वो आपका महरम होता है। सेम जैसे है आदमियों के लिए भी, माँ हो, बेटी हो या बहन हो, सौतेली हो तो आपके लिए वो भी महरम है। और उसके अलावा औरत के लिए चाचा, मामू, भांजा और भतीजा सगे महरम है। मर्द के लिए फुप्पो, खाला, भांजी, भतीजी, ये महरम है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल भी लिखी हुई, आप लोग देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं वो ये हैं। और दूसरी बात, आप सब लोग ये कह रहे थे कि ये कौन सा जाहिलपन है कि आप जो है पहले जैसे लड़की बालिग होती है आप लोग जो है निकाह कर देते हो, तो पहले हम लोग किया करते थे ऐसा, लेकिन अब जो है हम उनको तालीम दे लें। पहले जो जब हम लोग सब छोटे थे ना, हमारे बड़ों का कहना था और बड़े कुछ सोच के ये बात करते, तो काफी हद तक अभी हम लोग देखा जाए तो ऐसा हम लोग हमारे माशरे में ऐसा काफी देखने को मिला, कम एज लड़कियां जो हैं उनसे गुनाह होता है, उनसे कोई गलती होती है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो भी सोचा वो हमारे लिए हमेशा बेहतर सोचते हैं। तो खैर ये उनका कहना था, तो हमारे बड़े तो हमेशा इन चीजों को ज्यादा मानते। अब जो हमारी जनरेशन है वो इस चीज को ज्यादा फॉलो नहीं करती, लेकिन खैर अब भी जो लोग इन जो पढ़ा रहे हैं, उस टाइम हमारे यहाँ इतनी पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है और 18 के बाद उनकी शादी की जाती है। उसके अलावा अभी आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, हमारे चाचुओं के ऊपर के मेरे और चाचू, अच्छा खैर अब जो है मेरे चाचू और मेरे अब्बू की कहानी आ रही है, ठीक है। खैर मेरे लिए मेरे दोनों ही अब्बू, क्योंकि मैं अबियासिन से बहुत प्यार करती थी और अबियासिन भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं छोटी थी ना, मतलब मैं अपने अब्बू से ज्यादा अबियासिन के साथ रहती थी। जिस दिन मैं अपने मतलब नाना के पास नहीं जाया करती थी ना, तो वो मुझे ना मेरी अम्मी को बुलाते थे कि ना रुबीना नाना कहाँ आए, तो मुझसे इतना प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। मेरे नाने की उस टाइम परचून की दुकान थी और वहां से मैं 1 रुपए की इतनी ही सारी चीजें लेकर आती थी। कहानी मुझे उनके याद है, जब मैं छोटी थी तो वो जा रहे थे खानपुर, खानपुर हमारा बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। तो मैंने अपने चाचू को कहा था कि अब्बू मेरे लिए ना आप स्कूल के जूते लेकर आएगा, मतलब मुझे मतलब पढ़ाई का बहुत वो था, तो मतलब पढ़ने का उस टाइम मुझे शौक नहीं था, मतलब स्कूल जाने का शौक था कि मेरे पास नई नई चीजें। तो मेरे जो है नाना मेरे लिए जूते लेकर आए थे, वो मुझे अब तक याद है, बाटा के। खैर अब बात करते हैं अबू यासिन की। अबू यासिन के 3 ही बच्चे थे, सितारा, सलमा और माम फरूक, और उनकी एक ही शादी थी, उनकी 2 शादियां नहीं हुई थी। और उन्होंने मदीना में जाके बहुत बहुत स्ट्रगल किया था, बहुत स्ट्रगल किया था, और उन्होंने अपना पंजाब में एक बहुत बड़ा घर बनाया। उसके बाद आती है बारी हाजी अकबर साहब की, मेरे अब्बा जान की। मेरे अब्बा जान की शादियां भी एक थी, अगर मैं इसको थोड़ा टाइम पहले बताती, लेकिन अब जो है उनकी शादियां 2 हो चुकी हैं। और पहली शादी का आपको पता है कि ना मेरी अम्मी के साथ थी, और जब मेरे अभी अब्बू का निकाह हुआ तो काफी लोगों ने इस पर तनकीद की है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे हर किसी का मजहब होता है, हर किसी का मजहब बहुत खूबसूरत है, उनके जो है कुछ रूल्स हैं वो भी सब हर किसी के मजहब के बहुत ज्यादा खूबसूरत रूल्स हैं। इसी तरीके से हमारे इस्लाम का भी एक रूल है, वो है निकाह। और इस चीज पर मैं आप लोगों से किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती। हमारे रिलीजन में निकाह को बहुत अच्छा माना जाता है, और जो निकाह नहीं करता खैर उसको बुरा कहते हैं। रही बात मेरे अब्बू की, तो मेरे अब्बू ने 2 शादियां की हैं। पहली जो एक शादी वो मेरी अम्मी के साथ थी, दूसरी जो है अभी आपको पता है किनके साथ हुई है। उसके अलावा आप फर्स्ट शादी का रीजन पूछेंगे कि क्या है उनका रीजन, तो मेरी अम्मी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे अब्बू भी मुझसे बहुत, हम बच्चों से सब अम्मी अब्बू हमसे बहुत प्यार करते थे। तो खैर कुछ लड़ाइयों की वजह से, कुछ झगड़ों की वजह से अम्मी भी कॉम्प्रोमाइज कर रही थी और अब्बू भी कॉम्प्रोमाइज करते हम बच्चों की वजह से, ताकि वो हमें हमारा जो है टेक केयर कर सके। खैर कुछ फिर ऐसे हालात हुए कि जो मेरी अम्मी थी उनको जो है अलग होना पड़ा, और ये उसका हक जो है इस्लाम ने हमें दिया है। अब आप लोग फिर बोलोगे इस्लाम की बात करिए, तो यस ये सब चीजें इस्लाम में है। इस्लाम ने आपको इस चीज का हक दिया है कि अगर आपका और आपके हस्बैंड की नहीं बन रही, आपके पार्टनर के साथ अगर नहीं बन रही आपकी लड़ाइयों का असर आपके बच्चों पर हो, तो इससे बेहतर है कि किसी जगह पर आपको अगर अलग होने तो आप हो सकते हो। अब आप लोग पूछ रहे हो कि ऐसी कौन सी बात है जिनकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो खैर मुझे मेरा बाप भी बहुत अजीज है और मुझे मेरी माँ भी बहुत अजीज है। खैर जो सच बताया तो आज तक हमें हमारे अम्मी अबू ने ये बात बताई नहीं, पता नहीं कुछ बातें होती हैं हस्बैंड वाइफ इसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो खैर उनकी भी कुछ ऐसी बातों पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसकी वजह से उनका डिवोर्स हुआ था। तो खैर डिवोर्स जो है अम्मी की तरफ से हुआ, तो अम्मी जो है अलग होगी, और हम लोगों ने काफी कोशिश की कि आप जो है अबू घर वापस जो है पैचअप कर लें, लेकिन अम्मी ने कहा कि ये मेरे लिए मुश्किल है। तब हमने खैर अम्मी को ज्यादा फोर्स नहीं किया, उसके बाद 1-2 साल के बाद जो है अम्मी की डिवोर्स हो गई, और अम्मी ने फिर 5-6 महीने के बाद किसी और से निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद तकरीबन 8 महीने या 9 महीने के ना, उसके बाद जब हम लोग कराची गए तो मेरी अम्मी जो है कराची आ गई।
अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर वो कराची आई थी हमारे हमसे में हमारे साथ रहने के लिए, और वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो काम करती थी और हलाल कमाती थी। उन्होंने खुद भी हलाल खाया और हमें भी हलाल खिलाया। रही शादी की बात, तो शादी करना अम्मी के लिए क्यों जरूर था? आपको पता है कि हमारा ऐसा मुआशरा है जिसमें ना कोई बेवा ना कोई तलाक याफ्ता, ऐसी औरतें अकेली औरतें रह ही नहीं सकती, उसको उनका जीना हराम करते, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे दुबई हो, कहीं पर हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं पर हो, आप सब अगर एक औरत हो तो आपको पता होगा कि सब कितना मुश्किल रहता है एक औरत के लिए। इतनी सी स्टोरी थी। और उसके बाद वो 2.5 साल जब से मैं यूट्यूब पर हूँ, आपको सामने ही हुआ, यहाँ पे काम करती रही, उनका यूट्यूब चैनल बना, उनको एडिटिंग ज्यादा वगैरह कुछ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो रोज कोशिश करती रहती है। जिस तरीके से मुझे मेरी नानी अच्छी लगती है, वैसे मुझे मेरी माँ भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेडी थी। ना वो अपने बच्चों में बोझ बनी, ना वो अपने पहले शोहर पर बोझ बनी, ना ही वो दूसरे शोहर पर बोझ बनी। तो ऐसा होना चाहिए। बाकी रही बात, आप सब कह रहे थे कि मेरे अब्बू ने इस उम्र में शादी क्यों की, तो खैर उसके बारे में मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि मेरी शादी हो गई थी, मेरे दोनों भाइयों की शादी हो गई थी, और जो बूढ़ा होता है ना, बूढ़ा आदमी बच्चा बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब अब्बू को, मतलब जिस अब्बू की जितनी एज होती है, उनको खाना पानी इतना सब, ये सब इनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं, जितना उनके लिए एक कंपनी जरूरत है, जो कंपनी मतलब जो उनका सुख सुने, जो उनका दुख सुने, जो उनकी बातें सुने, जो कोई उनको सुनाए, तो इस एज में बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक आपको लाइफ पार्टनर की। जैसे हर चीज का जोड़ा होता है, जानवर का जोड़ा, पौधों का जोड़ा, हर एक चीज का जोड़ा होता है, वैसे ही इंसान का भी एक जो है पार्टनर होना होता है। अगर मैं और दिलवर अबर जो है, हम लोग उनसे प्यार करते हैं, उनको टाइम दे देते हैं, लेकिन हम लोग हर टाइम उनके साथ नहीं रह सकते ना, तो अब हमें इस चीज की जो है टेंशन रिलीफ मिलेगा कि भाई अब्बू के साथ कोई ना कोई होगा उनके ख्याल रखने वाला। और वैसे भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने निकाह किया तो कुछ गलत नहीं किया। हाँ, अब्बू यासिन के बच्चों में से कितने बच्चों ने, जैसे ना मामू फरूक ने शादी की है, ना सितारा ने शादी की है, ना ही सलमा जी ने शादी की है, इन तीनों के ना मेरे नाने ने शादी की थी, ना ही उनके बच्चों में से किसी ने भी दूसरी शादी की है, उन सबकी एक एक ही शादी थी। और आप सब कह रहे थे कि सलमा के पहले हस्बैंड का बताओ, तो सलमा जी कभी शादी नहीं हुई, तो उसके हस्बैंड का मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बाकी मेरे अब्बू की 2 शादियां हुई है, जैसे कि मेरी अम्मी की 2 शादियां हुई है, तो हम बच्चों में से मेरी 2 शादियां हैं, दिलबर की 2 शादियां हैं, और बाबर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हो, अल्लाह ताला अल्लाह ना करे उसकी दूसरी शादी हो, तो खैर हमेशा अपने बीबी के साथ खुश रहे और वो दोनों हमेशा हमेशा साथ रहे, आमीन। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा जो है हो गया था। खैर आई होप आप लोग को आज की स्टोरी जो है बिल्कुल सही से समझ आई होगी, और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है जो मैं आप लोग को रोजाना बताती हूँ। मैं मिलूंगी कल आप लोग नए और मजेदार से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।